हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट मेजर मिस्टेक यू आर डूइंग आफ्टर यूर आईआईटी एग्जाम एग्जाम राइट। हम सभी का जो है आईआईटी एग्जाम का एग्जाम हो चुका है एंड फिलहाल सभी जो है रिलैक्स स्टेट में है, होना भी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमने फेस किया है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हम लगातार कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने से फील करते आ रहे थे एंड जैसे ही एग्जाम हुआ वो प्रेशर एक बारी के लिए हमारे ऊपर से हट चुका है एंड नाउ हम सभी के सभी जो है रिलैक्स स्टेट में है। बट यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। देखिए आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होने के बाद हमारे पास जनरली 2 टाइप के बच्चे होते हैं। जैसे ही हमारा एग्ज़ाम हुआ हमारे पास 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो वो जो कि अपने एग्ज़ाम से जो है अनसेटिस्फाइड होंगे, जिन्होंने मेहनत तो बहुत की है बट उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए उस हिसाब से, एंड एक वो बच्चे उस कैटेगरी के बच्चे जो कि सेटिस्फाइड होंगे, जिनको ये होगा कि हाँ एग्जाम अच्छा चला गया एंड हमारा एडमिशन हो जाएगा। मे बी इन्होंने आंसर की वगैरह मैच कर ली होगी और उनको लगता है कि हाँ उनका एक डिसेंट स्कोर हो जाएगा। मैं एक डिसेंट स्कोर मान के चल रहा हूँ अराउंड 40, ठीक है, मैं एक डिसेंट स्कोर मान के चल रहा हूँ अराउंड 40, क्योंकि लास्ट 2 सालों से 40 के अराउंड अराउंड में आपको अच्छी एनआईटी में तो एडमिशन मिल ही जाता है, ठीक है। और इन बच्चों का मैं स्कोर मान के चल रहा हूँ अराउंड कट ऑफ क्लियर होगी बस, ठीक है, इनका मैं मान के चल रहा हूँ कि इनकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। क्यों ऐसा सोचना कि कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी, मैं मान के चल रहा हूँ कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास 2 टाइप के बच्चे हैं, एक तो वो जो सेटिस्फाइड है, एक वो जो सेटिस्फाई नहीं है। अब जो अनसेटिस्फाइड है वो थोड़े से डिप्रेस्ड होंगे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, हमने इतनी मेहनत करी, और जो बच्चे सेटिस्फाइड हैं वो थोड़े से कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ हमने मेहनत करी है एंड हमारा एग्ज़ाम जो है अच्छा चला गया है एंड हमारा एडमिशन हो ही जाएगा। ये बच्चे सोच के चल रहे हैं कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब क्लियर हो ही जाएगा, हमें एडमिशन मिल ही जाएगा, राइट। अब देखिए दोनों ही बच्चे बेशक अलग अलग क्यों ना हो, ये सेटिस्फाइड क्यों ना हो और ये अनसेटिस्फाइड क्यों ना हो, दोनों ने ही अब एक काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्या पढ़ना छोड़ दिया। दोनों ने ही एक काम करना स्टार्ट कर दिया है, इतने प्रेशर फील करने के बाद थोड़ा सा हो जाता है माइंड के ऊपर, जब एकदम से प्रेशर हटता है ना तो एकदम से एक बार यूँ हो जाता है कि हाँ पढ़ लिया हो गया एडमिशन हो जाएगा या फिर एडमिशन तो होना ही नहीं है। दोनों ही बच्चे चाहे किसी भी कैटेगरी में हो एक ही काम कर रहे हैं, फिलहाल पढ़ नहीं रहे हैं। ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़े से कॉन्फिडेंट है कि हाँ हमने अच्छा स्कोर कर लिया एंड हमारा एडमिशन हो ही जाएगा, और ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इतनी पढ़ने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, हमें एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा ऐसा, तो ये डिप्रेशन के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं एंड ये कॉन्फिडेंस के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं। बट दोनों का एंडिंग में जाकर मोटिव एक ही निकल रहा है कि दोनों पढ़ नहीं रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, माना मैंने 2 महीने से 3 महीने से आपके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर चल रहा था एंड एकदम से जब वो चीज़ हटती है ना तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, मेरा भी नहीं करता जनरली। मैं अभी एग्जाम की प्रिपरेशन देता हूँ करता हूँ तो 2-3 दिन तक तो मैं भी न्यूट्रल स्टेट में रहता हूँ कि हाँ अभी मैं बुक के हाथ नहीं लगाऊंगा, बट 2-3 दिन, ये 3-4 दिन की ही बात होती है, इससे ज़्यादा अपनी बॉडी को रिलैक्स मत दीजिए अभी। रीज़न ये है कि अभी बेशक आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके अराउंड 40 मार्क्स आ जाएंगे, लास्ट 2 सालों से एडमिशन मिल रहा है इस कट ऑफ के अंदर, तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि इस साल भी अराउंड 40 मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये कहीं पर भी गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। और मान लीजिए आपको एडमिशन मिल भी रहा है, आप ये सोच के बैठे हो कि हाँ मुझे NIT में एडमिशन मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा, बट NIT भी तो बहुत सारी हैं, कौन सी NIT में, मान लीजिए NIT एकदम लोअर NIT में जाके मिल रही है आपको एडमिशन, जो में 7-8 साल से स्टार्ट हुई है, स्टाफ अच्छा नहीं है और आपके घर से लगभग भी जो है 1.5 से 2 दिन के रास्ते पे पड़ती है, तो क्या आप वहां पे जाना प्रेफर करोगे जब आपको पता है कि टीचिंग अच्छी नहीं है वहां पे इतनी, आपका वहां का माहौल जो है वो आपके बॉडी के लिए सुचेबल नहीं है और घर से भी इतनी दूर है, पेरेंट्स भी को भी मनाना इतना मुश्किल है, तो क्या आप उस NIT को प्रेफर करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स ही मना कर देंगे, राइट। तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपके 40 मार्क्स आ गए या फिर 41-42 आ गए तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। एंड जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूँ मेरा, ठीक है, मैंने जो है 2018 के अंदर एग्ज़ाम दिया था IIT जैम का, 2018 के अंदर एग्ज़ाम दिया था एंड मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि 2017 के अंदर जो है अराउंड 36 मार्क्स पे जो है MNIT जयपुर मिल गई थी, ठीक है, MNIT जयपुर मिल गई थी अराउंड 36 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो मेरा टारगेट था कि मुझे 40 प्लस स्कोर करना है, 40 प्लस स्कोर करते ही मेरा जो कोई भी NIT है मीडियम तो कम से कम मिल ही जाएगी बहुत आसानी से। जब
पिछले साल 36 नंबर पे 36 नंबर पे एक टॉप क्लास एनआईटी मिल रही थी, तो अगर कट ऑफ हाई भी गई थोड़ी सी तो मेरे यूं था कि 40 मार्क्स स्कोर करते ही मुझे एक डिसेंट एनआईटी तो मिल ही जाएगी। मैं आईआईटी टॉप आईआईटी की तो बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने टारगेट लेके चला था 2018 में जब एग्जाम दिया था कि मुझे 40 प्लस स्कोर करना है। मैंने आईआईटी जेम का एग्जाम दिया एंड मेरा जो आंसर की जब आई, जब ऑफिशियल आंसर की आई, मैंने मैच किया तो मेरे जो है 44 से 45 कुछ इनके बीच का कुछ स्कोर था, मेरा इतना स्कोर चल रहा था 44 से 45 के बीच में। एंड आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ इतने में तो मुझे एनआईटी मीडियम एनआईटी तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। मैं तो फिर भी आईआईटी की सोच रहा था कि 45 में तो लगभग मे बी आईआईटी भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, बट मुझे ये था कि हाँ टॉप एनआईटी तो मेरे को आराम से मिल जाएगी। मैंने क्या किया, पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है भाई। 3 महीने बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत कर रखी थी, सुबह का पता नहीं, रात का पता नहीं, शाम का पता नहीं। तो मेरा ये था कि हाँ एडमिशन तो हो गया, अकॉर्डिंग टू मी एडमिशन मेरा कंफर्म था एंड मैंने पढ़ना छोड़ दिया। तो पढ़ना छोड़ने के बाद ऑब्वियसली बात है, मैं भी आपकी फेज में था 2 साल पहले, बीएससी कर रहा था मैं भी। तो जब मैंने पढ़ना छोड़ दिया तो एकदम से प्रेशर हटा, तो पढ़ना छोड़ दिया ऑब्वियसली बात है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद मेरे भी जितने भी एग्जाम थे मेरे पास, जैसे कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, सीयू आपने सुना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, बीएचयू के एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे कि एमडीयूसीई का एग्जाम था मेरा, ठीक है, जो आपकी ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी का जो है एक ही एग्जाम होता है, आपकी जो 7 यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो भी था मेरा, ठीक है। और एक मेरा डीयू का भी एग्जाम था, एंड एक और एग्जाम था जीजेयू का, राइट, एक मेरा उसके बाद जीजेयू का एग्जाम था, ठीक है। जब मेरा एडमिशन मैंने सोच लिया था कंफर्म है, तो मेरा 1 से 1.5 महीने बाद आपकी अप्रैल में हो जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट था, मैं बहुत आराम से बिना पढ़े 1.5 महीने से पढ़ना बिल्कुल छोड़ रखा था, जाकर गया एग्जाम देने, देकर आ गया। एग्जाम जब हुआ तो जो आंसर की आई, मैंने मैच आउट की एंड जो रिजल्ट आया उसमें मैंने सिर्फ क्या किया था, कट ऑफ क्लियर की थी, कोई शर्म नहीं है बताने में, मैंने गलती करी, मैंने सिर्फ कट ऑफ क्लियर की थी। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, जो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी होती है, जैसे कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पंजाब की साइड में है, जलंधर में है आपकी, ठीक है, कुछ अच्छी कर्नाटका में है, केरला में, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं एनआईटी प्रेफर कर रहा था और मेरा एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा, तो ये एग्जाम मेरा बिल्कुल ही कट ऑफ क्लियर करने वाला था, ठीक है। तो ये तो गया, ऑप्शन से बाहर चला गया। बाद में जब आंसर की आई, जब रिजल्ट आया, आपकी रैंक जब आपको पता चलती है, तो मेरी रैंक थी अराउंड 992 कुछ ऐसी, मेरी इतने नंबर में मेरी कुछ इतनी रैंक थी 992 के अराउंड। एंड इस रैंक में मैंने जो है अपने एक टीचर हैं, जहां कैम एकेडमी में मैंने कोचिंग ली थी, 2 महीने क्रैश कोर्स किया था, वहां पे एक सर थे जो कि मैनेज करते थे हर एक चीज़ को, उनको फ़ोन मिलाया, मैंने कहा सर मेरी इतनी रैंक आई है, मुझे कौन सी एनआईटी मिल जाएगी। आई वॉज हैप्पी, मुझे मेरे को तो मिल जाएगी। सर ने कहा कितनी रैंक है, मैंने कहा 992। सर ने कहा कौन सी कैटेगरी है, मैंने कहा सर जनरल कैटेगरी है। सर कहते हैं कि अगले साल अगले तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, कोई एनआईटी नहीं मिलेगी इतनी रैंक में। एंड आई वॉज शॉक्ड कि इतने मार्क्स में, मैंने कहा सर पिछले टाइम तो 36 नंबर के अंदर अंदर में हमें एमएनआईटी जयपुर भी मिल रही थी, तो मेरे तो 10 नंबर ज़्यादा है एंड 10 नंबर का फासला, तो आप तो कहते हो सर 2-2 नंबर के फासले में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है, तो 10 नंबर मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। सर कहते हैं पिछली बार कट ऑफ बहुत कम गई थी, अब की बार कट ऑफ बहुत हाई गई है, पिछली बार 2017 के अंदर जो कट ऑफ थी वो 22 मार्क्स की थी, और 2018 में जो कट ऑफ थी वो 28 प्लस गई है, तो बहुत फर्क पड़ा है एग्जाम का, तो आपको इतने में तो कोई एनआईटी नहीं मिलेगी, आप जो है अगली बार के लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं भी ऑब्वियसली बात है एक स्टूडेंट ही था और अभी भी हूँ, और थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा स्कोर किया, इतनी अच्छी रैंक है मेरे पास, ऑल इंडिया रैंक है मेरे पास, स्टिल मेरे को कोई एडमिशन नहीं मिल रहा किसी भी एनआईटी या आईआईटी के अंदर। और फिर काउंसलिंग लिस्ट हुई, मुझे फिर भी थोड़ी सी उम्मीद थी क्या पता कोई मिल ही जाए, तो फर्स्ट काउंसलिंग में कोई नाम नहीं था, सेकेंड में कोई नाम नहीं था, थर्ड में जाके मुझे एक एनआईटी मिली। कौन सी, थर्ड में जाके मुझे एक एनआईटी मिली, एनआईटी सिक्किम, ठीक है, NIT सिक्किम मुझे जाके मिली। अब ये NIT जो है मेरे घर से लगभग भी 1.5 दिन पता नहीं 25-26 घंटे दूर, पहली बात तो विदाउट फ्लाइट तो आप आ जा सकते ही नहीं हो, दूसरी बात ठंड रहती है एंड थोड़ी सी मेरी बॉडी सेंसिटिव है कोल्ड को लेके, तो मैं यू भी प्रेफर नहीं करता, और तीसरी बात मैंने सुना था, काफ़ी सर्च वगैरह किया कि जो NIT सिक्किम है वो इतनी अच्छी डेवलप्ड नहीं है, इतना अच्छा स्टाफ नहीं है, बट वही वाली बात थी NIT में एडमिशन लेना है मतलब कि सिर्फ टैग लगाने वाली बात हो जाती है कि हाँ आपके पास एक टैग है, मे बी वहाँ पे जाकर मैं खुश नहीं रह पाता,
मान लीजिए मेरी तबीयत ही सारा टाइम खराब रहती तो मैं क्या तो ग्रो करता, कहाँ तो पार्टिसिपेट करता एंड कहाँ ही एक्टिव रहता वहाँ पे, राइट। तो फिर मैंने आखिरकार एंड में जाके प्लान छोड़ ही दिया। और ड्रॉप करना जो है ना, देखिए जो बच्चे सीरियस होते हैं ना वो ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप करने से पहले ना उनके माइंड में 50 बातें रहती हैं, ठीक है। वो मैं हम कभी और बात करेंगे कि ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए एंड किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आपको ना टीचर्स कह देते हैं, आप वीडियो देखते हो कि हमें ड्रॉप करना चाहिए नहीं चाहिए, वो आपको एक बात बताते हैं, अगर आप बेटर माइंड हो, अगर आपको चाहिए कि वो लेना ही है करना ही है तो आपको ड्रॉप करना चाहिए, आपको ये नहीं अगर नहीं हो तो फिर मत करो, नहीं करना चाहिए, थोड़े से नंबर से आप रह जाते हो तो आपको ड्रॉप करना चाहिए, बहुत ही वाहियात बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिन बच्चों के मान लीजिए कट ऑफ भी क्रॉस नहीं होती ना, वो भी ड्रॉप करते हैं अगर एक, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत वाहियात बातें बताते हैं, ड्रॉप करना नहीं चाहिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको किसी और वीडियो में दूंगा, फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खो चुका था ऑलरेडी क्योंकि एग्जाम बहुत पहले हो चुका होता है। बीएचयू की बात करता हूं, बीएचयू का एग्जाम अच्छा गया था मेरा, लेकिन बीएचयू कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बीएचयू कैंपस में आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छी रैंक चाहिए। आई थिंक अंडर 20 अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो अंडर 20 आपको रैंक चाहिए होती है। मेरी रैंक अराउंड 90 या 85 कुछ ऐसी थी, तो बीएचयू भी मेरा चला गया, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि बीएचयू इतना टफ होता है कैंपस में एडमिशन लेना। अकॉर्डिंग टू मी 80-90 रैंक जो है ऑल इंडिया आप अगर लेके आ रहे हो बीएचयू के लिए तो अच्छी है, बट नहीं कुछ भी नहीं होता। फिर एंडिंग में जाकर मेरे पास डीयू के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, डीयू का मैंने फॉर्म ऐसे ही भर दिया था। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि डीयू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है कि आपके पास बीएससी में ना 2 सेम में एटलीस्ट मैथ होनी चाहिए, तो मुझे पता नहीं था इस क्राइटेरिया का, मैंने डीयू का फॉर्म भर दिया था। तो इतना डिप्रेस हो चुका था मैं इन तीनों से कि मैं डीयू का एग्जाम भी देके नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि इनमें तो मैं एडमिशन होना ही नहीं मेरा, इन तीन में तो एडमिशन होना ही नहीं है मेरा, ठीक है। ऊपर से डीयू के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, टाइम भी क्या वेस्ट करके आऊँ। मतलब डिप्रेशन वाली बात होती है ना कि हाँ नॉलेज के लिए नहीं जाना, अब मेरे को जाना ही नहीं है, ठीक है। तो वही वाली बात हुई, डीयू में तो मैं देके ही नहीं आया। फिर जाके मैं MDUCE का एग्जाम देके आया, इसमें मेरी जो है ऑल हरियाणा रैंक जो है 18 आई और इसमें मेरा एडमिशन हुआ। फिर GJU का देके आया, इसमें मेरी रैंक जो है अच्छी खासी आ गई थी, तो इसमें भी एडमिशन हो जाता, बट मैंने KU की यूनिवर्सिटी जो है प्रेफर करी क्योंकि मैंने सुना हुआ था हरियाणा में केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट KU का काफ़ी अच्छा है, तो फिर मैंने KU के एंडिंग में जाके प्रेफर कर ली, राइट। तो यही गलती आप मत कीजिए। आपने अभी IIT जेम का एग्जाम दे लिया है, बेशक आपका एग्जाम अच्छा हुआ है चाहे नहीं अच्छा हुआ, एक बात बताओ ना, इससे डिप्रेस्ड कुछ हो सकता है क्या? जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिससे आप मुझसे आप पढ़ रहे हो, उन्हीं का नहीं हुआ था, उन्होंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया, मतलब ठीक है डिफेंस स्कोर है, इतना डिफेंस स्कोर करने के बाद मुझे भी एडमिशन नहीं मिला था, तो इससे ज्यादा डिप्रेस आप हो सकते हो? फिर मेरे को BHU में भी नहीं मिला इतनी अच्छी रैंक लेने के बाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो मैं हवा में उड़ाया आया था, उसके बाद DU के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, इससे ज्यादा डिप्रेशन में आप आ सकते हो? मुझे पता है ना उस टाइम पे मेरी क्या हालत थी, बट स्टिल वही वाली बात है, चीजों को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको एट लास्ट कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना ही है, आपको अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना ही है। आपके जो पेरेंट्स है वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि आप उनके बिजनेस में जाके बैठ जाओगे, मेरे तो नहीं है भाई, आपका पता नहीं, मुझे मेरे तो नहीं है कि हमारा खुद कोई बिजनेस हो, तो मुझे करना इसी फील्ड में काम था, राइट। तो एंडिंग में जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता तो मेहनत करो ना, डिप्रेशन होने से डिप्रेस्ड होने से क्या फायदा है। एंड जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठे हुए कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, वो बिल्कुल भी मत सोच के बैठना कि 40 मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता जितनी कितनी कट ऑफ चली जाएगी, कितनी से क्या स्टार्ट होगा, ठीक है। लास्ट 2 साल उसे मिल रही थी, एडमिशन हो रहा था 40-41 में आराम से हो रहा था NIT में, बट अब की बार का नहीं पता, मे भी कट ऑफ हाई चली जाए, क्योंकि एग्जाम जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिव्यू किया था, एग्जाम क्वाइट ईजी आया हुआ था, ठीक है, ईजी और मॉडरेट के बीच में आया हुआ था। सिमिलरली जब 2018 में था तब भी ऐसा ही था कि ईजी और मॉडरेट के बीच में था, तो कट ऑफ में भी हाई चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ इसलिए हाई चली जाती है क्योंकि इजी से मॉडरेट के बीच में होता है, जो बहुत हाई लेवल पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए भी दिक्कत आती है क्योंकि उनको चाहिए अब वो लेवल, ठीक है, वो इतना इजी और मॉडरेट लेवल के ऊपर फोकस ही नहीं करते, वो सोचते हैं ये पॉइंट तो आएगा नहीं, क्या फोकस करूं मैं, राइट। एंड जो लो लेवल के रहते हैं थोड़े से, जिन्होंने ऊपर से पढ़ा हुआ है, उनके देखने में आ जाता है ये चीजें और वो इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये गलती मत करो, पढ़ना मत छोड़ो, आपके पास बहुत सारे एग्जाम है। एग्जाम की मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहला आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो जाएगा, अगर लेट नहीं हुआ तो अप्रैल में होता है। उसके बाद आपके पास और कौन कैसे एग्जाम है, आपके पास जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, ये तो सबसे लेट होता है। उसके बाद आपके पास जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, DU हो गया, BHU का एग्जाम है, ये भी आपका मई जून के नियर होता है। फोर्थ आपके पास जो है MDUCE का एग्जाम हो गया, जो कि ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है। फिफ्थ आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया, जो कि अलग से कंडक्ट करवाता है। सिक्स्थ आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया, जो आपकी चंडीगढ़ में है। आपके पास देखिए
यूनिवर्सिटी का भरमार है। अभी आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को ये सोचकर मत छोड़ना मेरा तो आईआईटी जेएम एग्जाम में एडमिशन हो ही जाएगा। बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। इवन मैं बताता हूँ कि अगर आपको लोकेलिटी में चाहिए, आप पास की पास चाहिए, तो कुछ एक आईआईटीज एंड कुछ एक एनआईटीज जो है हमारे पास, उनसे बढ़िया तो अच्छा तो आपका डीयू है। देखिए डीयू से बेस्ट कुछ नहीं है, दिल्ली का इन्वॉल्वमेंट आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ दिल्ली का इन्वॉल्वमेंट के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने का जो सेंस है, तो थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है, वहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। तीसरी बात, घर के पास रहते हो, इसीलिए कई सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छी अच्छी आईआईटीज को छोड़ के डीयू को प्रेफर करते हैं। रीज़न क्या होता है कि वो आईआईटीज दूर होती हैं थोड़ी सी, और दिल्ली पास की पास होती है, माहौल बहुत अच्छा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ना बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी ले लीजिए। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है हर एक मामले में, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा माहौल वहाँ पे कल्चरल टाइप का रहता है, थोड़ा सा ओपन माइंडेड नहीं है वहाँ पे इतना, बट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी भी हमारे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, आपने चंडीगढ़ का नाम सुना होगा। तो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही, जैसा कि मैंने बताया जो टॉप की 3 से 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अराउंड 10 से 12 हमारे पास है, लेकिन जो टॉप की 3 से 4 यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी है, हद से ज़्यादा अच्छी है, तो उनके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है क्रैक करना बड़ी बात नहीं होती है, आसान, ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा आसान पेपर नहीं आता। मैं बता तो रहा हूँ, 1.5-2 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ा था, भूल था सारा कुछ, फिर भी मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली। तो आप भी अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड जैसे कि आपका आईआईटी जेएम का एग्जाम होता है ना, वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, अराउंड 40-42 में आपको एडमिशन आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम हैं, इनको पढ़ लो, कर लो एंड स्कोर कर लो एंड एडमिशन ले लो। एक एग्जाम के पीछे गलती से भी मत बैठो कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। एंड ये वाले बच्चे डिप्रेस्ड मत हो, जैसा कि मैंने कहा मेरे पास डिप्रेशन के बहुत रीज़न है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना एक चीज़ नहीं हुई तो फिर आगे काम ही नहीं करे, ठीक है। फिलहाल की मैं करंट सिचुएशन बताऊँ ना, तो फिलहाल भी मेरा बहुत बेकार काम चल रहा है, नॉट ऑन द यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब तो मैं, मुझे पसंद है वीडियो बनाना, पढ़ाना पसंद है, इसलिए बनाता हूँ, बट फिलहाल कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड टाइप की स्टेट में हूँ, क्योंकि कहीं जॉब भी नहीं मिल रही यार, कहीं मतलब इतनी जगह इंटरव्यू देके आ चुका हूँ, पहले रिटन टेस्ट होता है वो क्लियर होता है, टॉप स्कोरर में रहता हूँ, डेमो लेते हैं एंड देन एंड में जाके कह देते हैं सर आपके पास बीएड नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको हायर नहीं कर सकते। हर जगह यही काम है, तो इससे ज़्यादा डिप्रेस कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी ही लाइफ में डिप्रेशन है, मेरी लाइफ में भी है, बाकियों की लाइफ में भी, हर एक की लाइफ में डिप्रेशन होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई छोड़नी नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा आपने रेस्ट ले लिया है, एक हफ्ता होने को हो गया हमारा, एग्जाम खत्म हुए, तो आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिल ही रही है, कंटेंट आपके पास होगा ही। सो इतनी ही बातें करनी थी जो कि आपकी लाइफ के लिए अच्छी है। देखो मुझे इतना रोल नहीं है मेरा कि मैं आपको इतना ज़्यादा समझाऊं, बट फिलहाल मैं बता सकता हूं कि आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कहां कहां पे क्या दिक्कत फेस कर सकते हो, राइट। तो मेरी बात मानो, बड़ा हूं, आपको सही चीज़ बताऊंगा, गलत चीज़ तो बताऊंगा नहीं। एंड मुझे इस वीडियो को बनाने का कुछ ज़्यादा फायदा था नहीं, मैं तो आता पढ़ाता चला जाता, क्या फ़ायदा था, मुझे क्या मतलब है कि आपका एडमिशन हो रहा नहीं हो रहा, मुझे मतलब है आप मुझसे पढ़ रहे हो, मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो अच्छी जगह स्कोर करें, वो एक अच्छी जगह एडमिशन ले, ताकि वो मुझे बताए कि हाँ, या फिर दूसरों को बताए कि हमने इनसे पढ़ा हुआ है। देखिए मुझे ना फेम बहुत पसंद है, मुझे पसंद है कि जहाँ पर मैं नहीं गया, जहाँ पर बच्चे मुझे कभी रूबरू नहीं हुए, वो बच्चे भी मुझे जानते हो, कि कहीं मैं जाऊँ और बच्चे कहे कि हाँ सर हम आपसे पढ़े हुए, आपका यूट्यूब चैनल देखा हुआ है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। मुझे पैसों से इतना नहीं लगा हुआ है जितना मुझे लोगों के थ्रू एक्नोलेज करने से लगा हुआ, राइट। तो इसलिए मुझे चाहिए कि आप पढ़ो, ताकि आप मुझे याद रखो, मुझसे पढ़ोगे कुछ एडमिशन नहीं होगा, भूल जाओगे, मुझसे पढ़ोगे एडमिशन होगा तो जिंदगी भर याद रखोगे, राइट। तो इसमें मेरा भी फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, एंड कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, ऑब्वियस ही बात है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।